और अपने चुनावी फायदे को लेकर मैंने देखा है कि हमारे हिंदुस्तान के नेता अपना ही सोचते हैं, पब्लिक का नहीं सोचते। यूपी में चुनाव हो रहे थे, कितनी रैलियां हो रही है, तो सारे लोग रैलियां कर रहे हैं, सब लोग अपना अपना जो प्रमोशन करना वो करेंगे। इसमें तो कि अगर मेरे को बचना है तो मैं सावधानी बरतूंगा, अगर केजरीवाल जी को बचना होगा तो वो सावधानी बरतेंगे। आपकी आवाज़ सच के साथ हकीकत आप तक चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, जिससे राजधानी दिल्ली, देश व दुनिया की तमाम खबरें सबसे पहले आप तक पहुँचे। आपके साथ मैं हूं ज्योति सिंह और आप देख रहे हैं हकीकत आप तक। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं कनॉट प्लेस पर। दिल्ली के सीएम केजरीवाल की बात करें तो वो दिल्ली को छोड़कर जगह जगह जाकर रैलियां करते थे, लेकिन अब नतीजा यह निकला है कि केजरीवाल खुद कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। केजरीवाल के कोरोना होने के बावजूद अब क्या आगे की रैलियां होनी चाहिए या नहीं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक है। दिल्ली के सीएम केजरीवाल को कोरोना हो गया, क्या बोलेंगे इस पर? देखो, सावधानी बरतनी चाहिए, जो भी जितनी भी रैलियाँ हो रही हैं थोड़ा स्मार्टनेस रैलियाँ करनी चाहिए, और जितनी भी उनकी टीम में लोग काम कर रहे हैं केजरीवाल जी की टीम में, स्वयं वो जिम्मेदार हैं। अगर कोरोना पॉजिटिव है उसके जिम्मेदार भी स्वयं हैं। दिल्ली में जिस हिसाब से कोरोना बढ़ रहा उस पर उन्होंने सावधानी बरतनी चाहिए और दिल्ली को अलर्ट करें, जैसे प्राइवेट ऑफिस हो गए, गवर्नमेंट ऑफिस हो गए, सब जगह सुरक्षा के कड़े इंतजाम हों, ताकि कोरोना जल्दी से ना फैले। भाई दो तरफा बात कर रहे हैं ना, वो उनको पाबंदियां लगा देनी चाहिए लेकिन रैली नहीं करनी चाहिए, फ़ायदा क्या हुआ? अब हर जगह रैली कर रहे हैं और यहाँ पर पाबंदियां लगा रहे हैं, जबकि जनता तो पूरे देश की सबको एक समान समझना चाहिए। बीमारी खत्म करने का लक्ष्य है या राजनीति करना उनका लक्ष्य है, तो कम से कम ये है पाबंदियां लगाएं तो लगाएं ठीक ढंग से, और जगह रैलियां ना करें। केजरीवाल जी गए थे, जगह जगह रैलियां कर रहे थे, उनकी कुछ तस्वीरें वायरल हुई जिसमें वो खुद मास्क लगाए नजर नहीं आ रहे थे। तो आपको जिसकी भी तस्वीर चाहिए ना पॉलिटिकल पार्टी के किसी भी नेता की, बिना मास्क मिल जाएगी आपको। सारे के सारे नेता एक जैसे होते हैं, अमित शाह जी को बोलो, मोदी जी को ले लो, योगी जी को ले लो, सारे कितनी बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं। अभी यूपी में चुनाव हो रहे थे, कितनी रैलियां हो रही है। अगर केजरीवाल जी को बचना होगा तो वो सावधानी बरतेंगे, आपको बचना होगा तो आप सावधानी बरतेंगे। अगर बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है तो आपको घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। रैलियां तो अब जिसको जिसको वोट देना वो देगा, रैलियां करो चाहे मत करो, रैलियां नहीं हो तो ज़्यादा अच्छी बात है। कम से कम इतने ज़्यादा जो अवॉइड करके है ना, डिस्टेंस नहीं रखकर है, बिना मास्क के है, चीखना चिल्लाना हो रहा है, ये सब नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। कोरोना के देखते हुए तो लगता है कि स्थिति ज़्यादा आगे को बढ़ने की संभावना ज़्यादा है, और अगर अब भी अगर एहतियात ना बरती गई तो पिछले साल के मुकाबले स्थिति बहुत ख़तरनाक होने वाली है। इसलिए मैं तो ये कहूँगा कि आने वाले समय को देखते हुए लोगों को कोरोना को लेकर एहतियात बरतना चाहिए और जो सावधानियाँ हैं उनको ध्यान में रखते हुए अपने सारे काम करने चाहिए। अगर पॉलिटिकल की बात करें तो जितने भी नेता हैं वो लगातार रैलियों पे रैली कर रहे हैं, रैलियों में कोई कमी नहीं आ रही है, इस पर क्या राय है आप लोगों की? हमारा हिंदुस्तान एक लोकतांत्रिक कंट्री कहलाती है और लोकतंत्र में चुनाव भी ज़्यादा ज़रूरी है, और अपने चुनावी फायदे को लेकर मैंने देखा है कि हमारे हिंदुस्तान के नेता अपना ही सोचते हैं, पब्लिक का नहीं सोचते, और इसी को लेकर अपने राजनीतिक साधने के चक्कर में पिछले साल भी कोरोना का बंगाल हो या और प्रदेशों में, वहाँ पे भी यही रहा कि कोरोना में और जगह लॉकडाउन लगा रहा, लेकिन उन प्रदेशों में लगातार रैली होती रही, लेकिन अगर अब भी हमने लोगों ने सावधानी नहीं बरती तो स्थिति बहुत खतरनाक होने वाली है। देखिए, जो गाइडलाइन सरकार की है, केंद्र सरकार की भी जो गाइडलाइन है वो बहुत अच्छी है कि हम लोगों को अगर बीमारी बढ़ रही है तो बीमारी से बचने के लिए एक तो वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है और मास्क बहुत ज़रूरी है और दूरी बनाए रखना भी बहुत ज़रूरी है। तो अब इस ऐसा तो नहीं है कोई, ये तो कुदरती वो बीमारी है, कोई ऐसा नहीं है कि किसी का वो, लेकिन हमें इससे मास्क और वो लगा के बचना चाहिए। लिखित में भी होते हैं आदेश, मगर जो है मौखिक उसमें नहीं हो पाते, जो जनता के बीच होने चाहिए वो नहीं हो पाते। इसमें जो है दूरी बना के बहुत ज़रूरी है, मास्क जो है अनिवार्य है, उसे पालन करना चाहिए। यहाँ पर आप लोग की ड्यूटी है ना, तो किस तरीके से आप लोगों का ख्याल रख रहे हैं? मास्क बराबर लगवा रहे हैं सबके, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करवा रहे हैं, बस यही है जी। बार बार बोल ही रहे हैं लोगों को, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करो, मास्क लगा के रहिए, आपकी सेफ्टी है इसमें, जो नहीं मान रहा उसका चलान हो रहा है। लोग बातें मान रहे हैं या नहीं? मान रहे जी, बातें तो मान रहे हैं, जब से OD1 चला है जब से थोड़ा फर्क तो पड़ गया जी, जो नहीं मान रहा उनका चलान करा रहे जी। तो आपने देखा कि यहाँ पर हमने लोगों से बातचीत की कोरोना के केसेस को लेकर के, और दिल्ली के जो सीएम केजरीवाल है उनको कोरोना हुआ है उसको लेकर लोगों ने अपनी अपनी राय रखी। आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है आप भी कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताएं, साथ ही साथ आप भी कोविड के जितने भी गाइडलाइंस है उसका पालन जरूर करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ज्योति, कैमरा पर्सन सुनील के साथ हकीकत आप तक। आप हमारी खबर को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें।